जब आप 16वें महासम्मेलन तक पहुंचे हैं तो ये 16वां महासम्मेलन आपका राष्ट्रीय सम्मेलन आपका पिछले राष्ट्र सम्मेलन से भिन्न है। और इसकी भिन्नता क्या है? आप क्योंकि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हैं, देश के कोने कोने से है, आपकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। और जिम्मेवारी क्या कि आपको कलम करना है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। और इसलिए इस संकल्प में मदद करने के लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर एक ऐसा माहौल है जिस माहौल को हम कहेंगे क्रांतिकारी माहौल पैदा हो रहा है। क्रांतिकारी माहौल क्यों कह रहा हूं मैं क्रांतिकारी माहौल इसलिए कह रहा हूं, एक दार्शनिक ने कहा कि क्रांतिकारी और क्रांति कब आएगी, तो कहा जब राज करने वाला वर्ग शासक वर्ग पुराने तौर तरीके से राज नहीं कर सकता है। आप समझ रहे कि शासक वर्ग डगमगाने की स्थिति में आ गया है, लेकिन उस डगमगाने से वो डगमगाएगा नहीं, लेकिन ताकत चाहिए उसको खत्म करने के लिए, भस्म करने के लिए। मैं समझता हूं जो आप नौजवान है इस दिशा में आगे बढ़ते हुए इस क्रांतिकारी परिस्थिति में हस्तक्षेप करते हुए मौजूदा शासक वर्ग पर शॉट करेंगे जिससे हमारे देश के अंदर एक बदलाव आ सकता है। मैंने क्यों कहा पुराने तौर तरीके से जब राज नहीं कर पाएगा राज करने वाला वर्ग, आपने देखा पिछले कुछ समय में आपने पूरे देश के अंदर रोहित वो हमल हुआ था, जेएनयू के अंदर आवाज बुलंद हुई, जगह जगह आंदोलन आगे गए, मोदी के खिलाफ आवाज बुलंद हुई, रोटी रोजी और भविष्य की बात उठी, तो आपने क्या लांछन लगाया? आपने लांछन लगाया ये सारे देश विद्रोही है। क्यों कहा आपने देश विद्रोही? देश विद्रोही इसलिए क्योंकि आपके पास उन मसलों का हल नहीं था, और दबाने के लिए आप सेडेशन का कानून लागू करते हैं। सेडेशन का लागू कानून इस मुल्क में किसने लागू किया था? फिरंगियों ने किया था। और किस समय किया था? जब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन तेजी से हमारे मुल्क में आगे बढ़ रहा था, तब ये सेडेशन का कानून भगत सिंह और भगत सिंह के साथियों पर लागू किया। और आज आप देश में उन साथियों पर ये सेडेशन का कानून लागू करना चाहते हैं जो एक बेहतर भारत चाहता है, जो रोजगार की बात करता है, बेहतर भविष्य की बात करता है, जो कहता है अमीर अमीर क्यों और गरीब क्यों हो रहा है, उस पर आप सेडेशन का कानून लागू करते हैं। राज करने वाला वर्ग पुराने तरीके से राज नहीं कर पाता, उसकी सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी सीबीआई और मोदी जी के सबसे चहेता अफसर राकेश, क्या नाम उनका, वो जो एडिशनल स्पेशल डायरेक्टर जो लगाए हैं स्थाना, आज उन पर लांछन लग गया है, करोड़ों रुपए दरकार गए। राज करने वाला वर्ग की महत्वपूर्ण एजेंसी सीबीआई आज ऐसे हालात में चल गई, राज करने वाला वर्ग पुराने तरीके से राज नहीं कर पा रहा। वो चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट उसके जेल में चले जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको 10 दिन का हम समय देते हैं, ये जो तुमने पैसा राफेल डील में जकार दिया है उसका जवाब देना होगा। पुराने तौर तरीके से मौजूदा शासक वर्ग राज नहीं कर पा रहा है। आपके हरियाणा के अंदर पिछले दिनों में जो मेहनत कृषो आम ट्रांसपोर्ट की है,
आपके बिजली में कर्मी है, जो मुलाजिम है, संघर्ष को आगे ले जा रहे हैं और अब दमन का तौर तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। राज करने वाला वर्ग प्राणी तौर तरीके से राज करने में सफल नहीं हो रहा। इसलिए भाइयों बहनों, इस लड़ाई को आपको आगे ले जाना है और मेरा मन कहता है कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो दूसरे हिस्से हैं समाज के, मजदूर है, किसान है, नौजवान है, महिला है, दलित है, आदिवासी है, उसकी लड़ाई के साथ इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी के झंडे को आगे ले जाते हुए, शहादत को करते हुए आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे और आने वाले कल में एक ऐसे भारत का निर्माण करोगे जहां पर इंसान द्वारा इंसान का शोषण हमेशा के लिए उसका खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा मन कहता है। इन बातों को कहते हुए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, पीछे ले जाना चाहता हूँ। याद कीजिए, ये हमारे मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कहते थे, चीख चीख के बोलते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बाप मोदी जी क्या कहा, आप तो ऐसे पेश आते थे अपने आप को जैसे कि सबसे बड़े हरिश्चंद्र हो, लेकिन आप बताएं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये विजय माल्या ने 9,000 करोड़ रुपया कहां से निकाल दिया? ये विजय माला क्या लगते थे आपके, चाचा लगते थे, ताऊ लगते थे, मामा लगते थे, कौन थे ये? उनको तो आपने मुल्क से जाने के लिए खुले आम अनुमति दे दी। ये ललित मोदी क्या लगते थे तुम्हारे, नीरव मोदी क्या लगते थे, कौन है ये सारे, ये दानी कौन है, अब्बानी कौन है? हमें तो अभी बताया गया, अब्बानी तो ये है कि जिस कंपनी का घाटा था लेकिन बीच में संधि आपने कर दी और आपका एक साल में ही 284 करोड़ का मुनाफा हो गया। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वाह मोदी जी, किसको आप ठगना चाहते हो? खाने का तरीका भी बदल गया है, बाईपास करके है। पहले सीधा खाया जाता था, अब खाया जाएगा किसके जरिए, जिनके पेट भैंस बराबर मोटे तुमने कर दिए है, न पिए इनके पेट। और देखिए कितना माल है, अमीर अमीर और गरीब गरीब होता जा रहा है। मैं तो सुन के हैरान हुआ, मेरा आंकड़ा नहीं है, अभी तो एक और झगड़ा चल पड़ा है, वो जो रिजर्व बैंक का है, जो सेंट्रल बैंक का चला है, कि भाई आप लिक्विडिटी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं, लिक्विडिटी जो रिजर्व है उसके पास रिजर्व बैंक का, देगा तो फिर मना, नहीं देगा फिर मना, हालात ये पैदा कर दिए है। इसलिए ये है वो क्रांतिकारी स्थिति, क्या है, जिस विकास के रास्ते को आपने इख्तियार किया, कौन सा विकास का रास्ता, विकास का रास्ता पूंजीवादी विकास का रास्ता, ये पिछले दिनों में नए दौर में चले गया था, जिसको हम कहते हैं न्यू लिबरल डेवलपमेंट पाथ ऑफ डेवलपमेंट, नव उदारवाद का विकास का रास्ता। ये नव उदारवाद विकास का रास्ता क्या था, नव उदारवाद विकास का रास्ता था जिन बातों को लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी देकर देश से फिरंगियों को बेदखल किया, राजाओं और महाराजाओं के राज को समाप्त कर बगार और बेट के कानून को समाप्त कर आजाद भारत बनाया, जिसके लिए एक संविधान इख्तियार किया गया, जिसमें जिम्मेवारी नहीं राज्य ने, काय की जिम्मेवारी, शिक्षा उसकी जिम्मेवारी थी, स्वास्थ्य उसकी जिम्मेवारी थी, समान सेवाएं उसकी जिम्मेवारी थी, नव उदार विकास का रास्ता है। ये जिम्मेवारियां से पांव पीछे खींचो और क्या करो, ये जिम्मेवारी आस्ते आस्ते सौंप दो, किसके पास सौंपो,
उनके पासों पर जो मोदी जी के चाचा और ताऊ है, कौन अडानी और अदानी के पास सौंप दो, शिक्षा भी सौंप दो, स्वास्थ्य भी सौंप दो, पीने के पानी और बिजली तक उसके पास सौंप दो। यह है नया विकास का रास्ता। और अब सब जानते हैं ये नया विकास का नव उदारवाद का रास्ता सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। कैसा एक्सीडेंट? ऐसा सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, ये आखिरी सांस से अपनी ले रहा है। और आप जानते हैं जब सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है तो मरीज को बचाने के लिए उसको आईसीयू में डालना पड़ता है। हमारा नव उदारवाद विकास का रास्ता आप आखिरी सांसें आईसीयू में ले रहा है। इसकी निश्चित रूप से मृत्यु होने वाली है, और मृत्यु करने के लिए वो जो बीच की बिजली डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है, उस बिजली को डिस्कनेक्ट करने के लिए छात्र को आगे आना पड़ेगा, मजदूर को आगे आना पड़ेगा, किसान को आगे आना पड़ेगा, नौजवान महिला को आना पड़ेगा। और आना पड़ेगा इस देश के वो वर्ग जिस पर दमन होता है सामाजिक तौर पर, दलित, महिला, ये अगर आगे आकर उस बिजली की कनेक्शन को काट देगा तो नव उदारवाद के विकास की रास्ते की निश्चित रूप पर मृत्यु होगी और एक नए भारत का निर्माण होगा। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, आइए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जिए। एक अभिमन्युन नहीं, अनेकों अभिमन्युन इस संस्था में बनेंगे, आपके स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में बनेंगे। इसलिए बनेंगे क्योंकि हम देश में उस विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं जिस विरासत ने फ्रंजियों को हमारे मुल्क से बाहर किया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं हम। क्यों ले जाना चाहते हैं? हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें आदमी द्वारा आदमी का शोषण हमेशा के लिए समाप्त हो, खत्म हो। ज्यादा ना कहता हूं भाइयों, ये चर्चाएं हैं आज कि आने वाले समय में क्या होगा, क्या होगा आने वाले समय में। बहुत जोर शोर से आज हमारा मीडिया बोलता है, बहुत जोर शोर से हमारे नेता लोग बोलते हैं जो दिल्ली में राज करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में देश की आवाम ने तय कर दिया है, उनकी छुट्टी की जाएगी जो धमन शोषण जुलम करते हैं। और इसलिए देश की आवाम के साथ अपनी आवाज को मिलाते हुए आप आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और आने वाले समय में ये जो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी सोशलिज्म का झंडा है, कुर्बानी भरा जो झंडा है, इसको आप मंजर पर पहुंचाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम शुभकामनाएं देते हुए इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए और तमाम जो हम जिन्होंने शहादत दी है इसको आगे ले जाते हुए उनको सलाम करते हुए एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो भगत सिंह के स्वप्न का भारत था। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कमरेड राकेश सिंह जी का। इसके बाद मैं जनसभा को समापन करने